सो हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टार किंग रीट। आज के इस नए वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग लाइट रूम की मदद से डार्क टोन फोटो एडिटिंग कैसे कर सकते हो, और वो भी सिर्फ एक ही क्लिक में। तो देख सकते हो गाइस, हमारा फोटो पहले ऐसा था और एडिट होने के बाद ऐसा है। तो आप लोगों को आज का जो फोटो एडिटिंग है, मैं आप लोगों को प्रीसेट के थ्रू बताने वाला हूँ, जिससे कि आप लोग सिर्फ एक ही क्लिक में आप लोग अपने फोटो के अंदर डार्क टोन इफेक्ट ला सकते हो। तो और हाँ गाइस, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन में कर देना प्रेस, ताकि मैं जब भी कोई नई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और हाँ गाइस, मैं ऐसे ही नए नए फोटो एडिटिंग के साथ आता रहता हूँ। और आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर देना एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना फैबुलस ऑसम फंटेस्टिक एनीवे कुछ भी, और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोग दोस्तों भी कुछ इस टाइप का डार्क टोन फोटो एडिटिंग कर पाए। और हाँ गाइस, मैं जो प्रीसेट यूज़ करूँगा उन सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। और हाँ गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, वो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा कुछ का अपडेट वहीं पर देता रहता हूँ। तो चले गए, इस वीडियो का स्टार्ट कर लेते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो हे गाइस, हम लोग को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, हम लोग अपना लाइट रूम अप्लीकेशन ओपन कर लेना था। चलिए मैं अपना लाइट रूम अप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो देखिए गाइस, मैंने अपने लाइट रूम अप्लीकेशन को ओपन कर लिया, और ओपन करने के बाद हमें जाना है इस ऑल फोटो के ऑप्शन पे। और ऑल फोटो के ऑप्शन पे आने के बाद देख सकते हो मैंने यहाँ पे अपने प्रीसेट और फोटो को ऐड करके रखा है। और हाँ गाइस, ये प्रीसेट एसके भाई का है, तो आप लोग जानते हो एसके भाई कौन है, और इसके भाई ने पहले इसी प्रीसेट बना कर रखा था। तो मैंने भी सोचा क्यों दोबारा मेहनत करने जाऊं, और मैंने सोचा कि इसके भाई का ही प्रीसेट यूज़ कर लेता हूं। तो चलिए मैं अपने प्रीसेट को ओपन करता हूं, और ओपन करने के बाद हम यहां से इस थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम यहां से एक कॉपी सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो हम कॉपी सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो भी हमें अनमार्क मिलेगा उसे हमें मार्क कर देना है। तो टूल्स और सबसे नीचे में ज्योमेट्री, तो मार्क करने के बाद हमें यहाँ से इसे डन कर देना है। और डन करने के बाद हमें वापस से बैक चले आना है, और बैक आने के बाद हमें अपने फ़ोटो को ओपन करना है। और ओपन करने के बाद हमें यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमें पेस्ट सेटिंग का ऑप्शन मिलता है, तो हम यहाँ पेस्ट सेटिंग पर क्लिक कर देना। और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं हमारा फोटो एडिटिंग हो गया। और हाँ गाइस, बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रीसेट से फोटो एडिट करते हैं तो बहुत फेस पे डार्कनेस वगैरह और नॉइस आ जाता है, तो उन सबको एडजस्ट करने के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर आप लोगों को करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कैसे आप लोग अपने फ़ोटो को प्रीसेट यूज़ करने के बाद एडजस्ट कर सकते हो। तो चलिए मैं सबसे पहले मैं जाऊँगा इस लाइट वाले ऑप्शन पर, और लाइट वाले ऑप्शन पर आने के बाद यहाँ से हम जाएंगे मिक्स पे। और मिक्स पे आने के बाद हम यहाँ से अगर फेस पर डार्क आ रहा है तो हमें ऑरेंज कलर को चूज़ करना है, और इसका सेचुरेशन को डिक्रीज़ करना, और लुमिनस को इंक्रीज़ कर देना, और हल्का सा ह्यू को भी इंक्रीज़ कर देना। और हमें जाना है इसे येलो वाले कलर पर, और येलो वाले कलर का ह्यू को हल्का सा कम करना, और लुमिनस को भी कम करना। और कम करने के बाद यहाँ से हम इसे डन कर देना है, और डन करने के बाद देख सकते गाइस हमारा फोटो एडिटिंग हो गया। और हाँ गाइस, मैंने अपने फेस को पहले ही से स्मूथ करके रखा था, तो अगर आप लोगों को फेस स्मूथ करना नहीं आता है तो मेरे वीडियो को देख सकते हो, मैंने पहले ही से फेस स्मूथ पे एक वीडियो बना कर रखा है, तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो और फेस स्मूथ करना सीख सकते हो कैसे फेस स्मूथ किया जाता है। और हाँ गाइस, अगर आप लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और पास वाले बेल आइकन को भी कर देना प्रेस, ताकि मैं जब भी कोई नई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। और हाँ गाइस, मैं ऐसे ही नए नए फोटो एडिटिंग के साथ आता रहता हूँ। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो कर देना एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना फैबुलस ऑसम फैंटास्टिक एनीवे कुछ भी, और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ, ताकि आप लोग के दोस्त भी कुछ इस टाइप का डार्क ब्लैक टोन फोटो एडिटिंग लाइट रूम से कर पाएँ। और हाँ गाइस, अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जाकर मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सारा कुछ का अपडेट वहीं पर देते रहता हूँ। तो चले गए, इस वीडियो को आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और फोटो एडिटिंग के साथ। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू।